हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसके बारे में, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट का नाम है, आप देख सकते हैं, एम क्या है, टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आया ना, जो 2021 टू 2022 है, उसके अकॉर्डिंग जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम आज बात करेंगे सोशल फार्मेसी के, ठीक है। और ऐसे जैसे हमने वीडियो में दिखाया है, और हम पीडीएफ नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसी प्रैक्टिकल फाइल प्रैक्टिकल का, ठीक है। उसी को आप अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है जो कॉलेज में बनानी है उसमें भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं। देखिए, पहले लिखना है आपको एम। तो एम क्या है हमारा, स्टडी एंड अंडरस्टैंड द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस। जो उनका शेड्यूल होता है इम्यूनाइजेशन का, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रेफरेंस की। हम पहले लिखेंगे एम, उसके बाद लिखेंगे रेफरेंस, ठीक है। और जो रेफरेंस लिखने का एक पैटर्न होता है, पहले हम लिखते हैं नेम, यानी जो बुक राइटर है उनका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम बुक कौन, मतलब बुक कौन सी है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम पब्लिश कौन करता है उनको, पब्लिशर कौन है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है। और जो हमें जो ये नेम लिखना है वो ऐसा लिखना है कि मतलब उनका जो सरनेम है वो हमें यहाँ फर्स्ट में लिखना है, यानी जो फर्स्ट नेम के प्लेस में लिखना है, और जो फर्स्ट नेम है वो सरनेम के प्लेस में लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं एस के पांडा, इनका जो नेम है वो है एस के पांडा, लेकिन हमने कैसे लिखा है, पांडा एस के, मतलब जो सरनेम है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम उनका फर्स्ट नेम। और उसके बाद है ये टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल फार्मेसी, यानी हमने जो ये रेफरेंस लिया है वो कहाँ से है, सोशल फार्मेसी की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। पब्लिश कौन करता है, ठाकुर पब्लिकेशन पीवीटी एलटीडी। और पेज नंबर कौन से में, पेज नंबर है 30 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम थ्योरी, ठीक है। जो सोशल फार्मेसी के प्रैक्टिकल होंगे उसमें हमें चार चीज़ें लिखनी है, एक लिखनी है एम, फिर उसके बाद लिखना है रेफरेंस, उसके बाद लिखना है थ्योरी, उसके बाद लिखना है हमें जो है रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में हम क्या लिखें। जो ए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज द ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चार्जेड विथ प्रिवेंटिंग डिसीज डिसेबिलिटी एंड डेथ फ्रॉम दी वैक्सीन प्रिवेंटिव डिसीज इन दी चाइल्ड एडल्ट। मतलब जो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये किस लिए किया जाता है कि कोई डिसीज या डिसेबली डेथ नहीं हो छोटे बच्चों की, ठीक है। और सेकेंड इसका पॉइंट है ANIP, NIP मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी ये गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, दैट ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओवरऑल हेल्थ पॉलिसीज पे ये काम करते हैं, ओवरऑल जो हेल्थ पॉलिसीज हैं उनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन ऑल्सो नोन एज वैक्सीनेशन, मतलब इम्यूनाइजेशन को हम वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वो किस है, देखिए, हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग एन इन्फेक्शन डिसीज। मतलब ये किस लिए कि जो भी इन्फेक्शन डिसीज है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, ठीक है। वेन यू गेट वैक्सीनेटेड यू हेल्प टू प्रोटेक्ट अदर्स हैज वेल। मतलब आप एक बार वैक्सीनेटेड हो जाओगे तो अब अपने को भी नहीं दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। और देखिए, वैक्सीन और वेरी सेफ, ये वेरी सेफ होते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं होती है इसमें। इट इज़ मच सेफर टू गेट वैक्सीन देन या इन्फेक्शन डिसीज। मतलब जो इन्फेक्शन डिसीज हम लेंगे उससे तो सेफर ही है कि वैक्सीन ले लें, ठीक है। और देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, यानी जो वैक्सीन्स होते हैं उनके टाइप्स हैं। देखो, पहला वैक्सीन होती है, मतलब कुछ टाइप हैं, पहला इनएक्टिव वेटेड वैक्सीन्स, फिर है लाइव अटेंटिव, फिर है एम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, और फिर है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड कोगुजेट वैक्सीन, ठीक है। फिर है टॉक्सिड वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, इधर ये गलती से हो गया है, ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये पांच तरह की वैक्सीन होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है इज एन वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है ये भी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और ये
कब लॉन्च हुआ था? 1985 में। लॉन्च किन के द्वारा किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और इट बिकम ए पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वे सर्वाइवल, ठीक है, एंड सेफ मदर प्रोग्राम इन 1992। यानी वो 1985, जब 1992 में आया था, तो वो चाइल्ड सर्वाइवर्स के लिए भी हुआ था और सेफ मदरहुड प्रोग्राम भी उसमें पार्ट कर दिए गए थे, ठीक है। इट इज एंड इज करेंट वन ऑफ द की एरिया अंडर नेशनल रूरल हेल्थ पॉलिसी मिशन सिंस 2005 से, ठीक है। मतलब सिंस 2005 से वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आता है, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम, हाँ, ये प्रोग्राम किस लिए किए जाते हैं? तो कंसिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर 12 डिसीज। यानी मतलब जो ये प्रोग्राम किया जाता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये किन डिसीज के ऊपर किया जाता है? देखिए, 12 डिसीज होती हैं। पहली है ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पेट्रस, टिटनस, पोलियोमाइटिस, मेनलेस, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रूबेलिया रूबेलिया, निमोनिया, निमोनोकोकल डिसीज के ऊपर, ठीक है। ये जो 12 डिसीज हैं, इनके ऊपर ये नेशनल इम्यूनाइजेशन जो है प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, हेपेटाइटिस बी और निमोनिकल डिसीज और एडेड इन यूआईपी, यानी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें जो हेपेटाइटिस बी और निमोनिकोनल डिसीज है, ये कब ऐड की गई थी? 2007 में एंड 2017 में, ठीक है। और द पर्पस ऑफ रिकमेंडेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज टू प्रोटेक्ट इन्फेंट एंड चाइल्ड बाई प्रोवाइडिंग इम्यून हेली इन लाइफ। मतलब इनका मेन रूल क्या है कि आप जो चिल्ड्रंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्ट करना डिसीज से, ठीक है। बिफोर दे आर एक्सपोज टू पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, मतलब वो अपनी लाइफ में जो छोटे बच्चे होते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए जाएं, उससे पहले ही ये है कि वैक्सीनेशन करा दी जाए तो उनको कोई डिसीज नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आता है द प्रोटेक्शन डेवलप आफ्टर वैक्सीनेशन यूजुअली लास्ट फॉर मेनी ईयर्स एंड इट एबल टू स्टॉप डिसीज इन मोस्ट केसेस। मतलब के मोस्ट केसेस में क्या होता है कि इट एबल टू स्टॉप, ठीक है, प्रोटेक्शनल डेवलपमेंट आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है। और उसके बाद है इवन इफ द चाइल्ड डज नॉट गेट डिसीज, मतलब चाइल्ड डज नॉट गेट डिसीज आफ्टर बीन वैक्सीनेटेड, द सिम्टम विल बी मिल्डेड सिम्टम इन द चाइल्ड हु वॉज नेवर वैक्सीनेटेड, ठीक है। आप जे उस चाइल्ड में सिम्टम्स देख सकते हो जिसने कभी वैक्सीनेटेड ली नहीं है, और उस चाइल्ड में देख सकते हो जिसने वैक्सीनेटेड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिम्टम कुछ आपको ही दिख जाएंगे कि क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, ठीक है। फॉर सम वैक्सीन्स बूस्टर्स और गिवन टू चाइल्ड एट स्पेसिफिक एज टू फर्दर रेज द प्रोटीन अप प्रोटेक्शन अप टू एन ऑप्टिमम लेवल, ठीक है, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल तक, ठीक है। वैक्सीन इंश्योर द बेस्ट प्रोटेक्शन टू चाइल्ड व्हेन दे आर गिवन एट द राइट एज। मतलब जो वैक्सीन है वो बेस्ट प्रोटेक्शन देती है बच्चों को, कब? वो अगर राइट एज में दी गई हो, मतलब जैसे 5 साल में, तो वो जो वैक्सीन है वो 5, मतलब जो बेबी है 5 ईयर्स का हो जाता है, तो जब देनी चाहिए तो जब ही देनी चाहिए उसी को, ठीक है। और रेगुलर नंबर ऑफ डोज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डोज, मतलब वो कितनी डोज रिक्वायर्ड है, एक डोज है, दो डोज है, तीन डोज है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, तो उसके हमने वैक्सीनेशन भी देखे होंगे, आपने दो डोज किए गए हैं, यानी जो दो वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया उसमें कितने डोज हैं? दो डोज, क्योंकि दो डोज रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही अगर हम एक ले लेंगे तो भी मतलब उसमें कुछ केसेस होते हैं कि हमें कोरोना हो जाए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। एट सर्टन पीरियड ऑफ लाइफ देर इज अ मैक्सिमम इंसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है, मैक्सिमम इंसिडेंट है पर्टिकुलर डिसीज, देयरफॉर टू प्रिवेंट हार्मफुल कॉज्ड द डिसीज वैक्सीन और द प्रोवाइडेड एट पर्टिकुलर एज। मतलब जो वैक्सीन है, इसी में, इस पॉइंट में भी यही कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो पर्टिकुलर एज पे करवा लेनी चाहिए, मतलब जो हो जानी चाहिए वैक्सीनेशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए द अकरेंस ऑफ पोलियो इज मैक्सिमम इन चाइल्ड 5 ईयर्स, मतलब जो पोलियो का जो
सिम्टम्स मतलब जो अकरेंस होती है वो कब होती है, 5 ईयर्स की एज में, ठीक है। हेंस वैक्सीनेशन गेट पोलियो इज गिवन इन रूटीन इम्यूनाइजेशन एज वेल एज इन कैंपेन टू चाइल्ड बिलो दी 5 ईयर्स। मतलब जो पोलियो की वैक्सीन है वो किन को दिए जाते हैं, बिफोर 5 ईयर्स वाले को, मतलब जो 5 ईयर्स के अंडर में आते हैं उनको दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो पोलियो के अकरेंस है वो कब आती है, 5 ईयर्स की एज में। यानी जैसे आप समझ रहे हैं कि जो जब चाइल्ड 5 ईयर्स का हो जाता है तो उसमें जब पोलियो होगा, मतलब पोलियो डिसीज होगी, अगर आपने उससे पहले वैक्सीनेशन करवा लिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 5 ईयर्स के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। और सिमिलर नंबर ऑफ डोज रिक्वायर्ड इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन, ठीक है। द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्लियरली मेंटेन डिफरेंट वैक्सीन एजेस एट विच दे और टू बी गिव एंड डोजेज रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग फुल प्रोटेक्शन फॉर द वैक्सीन प्रिवेंटिंग डिसीज। मतलब जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना है उसमें सारे लिखे रहते हैं कि मतलब कौन सी वैक्सीन कब लेनी चाहिए, किस एज पे लेनी चाहिए, कितने डोजेस में लेनी चाहिए, और वो फुल प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, वैक्सीन प्रिवेंटिव डिसीज में, ठीक है। और जो वैक्सीन ऑल वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन कंट्री हैज लाइसेंस्ड बाय ड्रग कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं वो कंट्री में, वो किन के द्वारा होती हैं, मतलब जो अपने कंट्री में है वो किन के द्वारा है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, DCGI के, ठीक है। देखो, और सेफर फॉर यूज, मतलब वो सेफर होती हैं यूज करने के लिए। हाउ एवर कॉम्प्लिकेटेड इम्यूनाइजेशन सर्विस और गिवन टू ऑल द चाइल्ड एंड प्रेगनेंट वुमेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। मतलब जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम होती हैं, जो भी इम्यूनाइजेशन सर्विस के लिए यूज़ की जाती है, वो बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी है ये, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे हम, जैसे पहले थ्योरी मतलब एम लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया, थ्योरी लिख दिया, अब अपने थ्योरी के बाद लिखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट देखिए क्या है, द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज स्टडीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन पढ़ लिया और अंडरस्टैंड भी कर लिया, जैसे कि अब आपने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं थ्योरी में, एग्जाम्पल भी देख लिया, और कौन सी डिसीज होती हैं, कितने तरह की वैक्सीनेशन होती हैं, ये पूरा क्या है, ये थ्योरी हो गई, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये क्या करना है कि एक जो है ऐसा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो ऐसा है प्रोग्राम का, ये आपको क्या करना है कि आपको जो लेफ्ट साइड प्लेन पेज होता है उसमें आपको पेस्ट करना है, जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये पेस्ट करना है, क्योंकि इस पे देखिए सारे लिखे हुए हैं जो 16 से 24 मंथ्स के होते हैं, और मैक्सिमम एज है 17, 0.5 ml लेनी चाहिए डोज, एलो एंड नो, इंट्रामस्कुलर लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी है। तो ऐसा ही एक आपको भी क्या है, को नेशनल में शेड्यूल है वो ऐसा लेकर आपको लेफ्ट साइड में जो प्लेन पेज होता है उसके साइड में आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको बढ़िया लगा हो, वीडियो बढ़िया लगी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर वीडियोस के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिलता है, और जो हमारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही हैं और जो है वो प्रैक्टिकल का PDF प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको उससे कुछ भी बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज़ आप हमें कुछ कंट्रीब्यूशन देके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।